हमारी सारी यादों का एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। वैसे मुझे पता है समर्थ कि हमारी यादें बिल्कुल एक हैं, जो पल तुम्हें सबसे ज्यादा याद है वही मुझे भी, क्योंकि हम सच में दो जिस्म एक जान, हम हमेशा साथ में रहेंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। देखा आप सबने, हिरी ईशा मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। उसने वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। अगर मेरी ईशा कह रही है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे तो वो अकेले कैसे मर सकती है? उसे मेरे प्यार की कसम, वो जरूर है। देख लेना आप सब, देख लेना। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मैं समर्थ की ताई माँ बोल रही हूँ। क्या क्या हुआ ताई माँ? ईशा, क्या हुआ ईशा को? ईशा की डेड बॉडी, क्या हुआ ईशा की डेड बॉडी को? ईशा की डेड बॉडी मुर्दा घर से गायब हो गई है। क्या हुआ? आप भी बोले ना गिरीश बेटे, ईशा की डेड बॉडी। ईशा की बॉडी को क्या हुआ? ईशा की डेड बॉडी गायब हो गई है। ईशा की डेड बॉडी गायब हो गई मुर्दा घर से? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप लोग देवकी मासी, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब मेरी ईशा मरी नहीं है तो फिर उसकी बॉडी कैसे गायब हो सकती है? देखिए मेरी ईशा आ रही है, हमें उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। देवकी मासी, आप प्लीज आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ईशा को अच्छा लगना चाहिए। इनफैक्ट मैं जाकर अपना कमरा भी सजाता हूँ। ठीक है, चलिए मॉर्ग चलते, पता करते कि एक्चुअली हुआ क्या है। चलिए आइए दाइमा। क्या हुआ ईरा? तू ये गुड़िया देख के रो काहे को रही है? देख, मेरे को पता है अपन दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, पर अपन दोनों खुशी ना सही दुख तो बांट सकते ना साथ मिलकर। ईशा ने मुझे दी थी बचपन में, जब हम अलग हुए थे। जी, बड़ी वाली ईशा है, अरे छोटी वाली मैं। उसने इन दोनों के हाथ में एक डोरी बांधी थी, ताकि इनकी तरह हम भी कभी अलग ना हो। पर जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने भी इनके हाथ से दूरी तोड़ दी। ईशा, तेरे जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, पर मैं जानता है कि ईरा ही तेरे लिए सब कुछ थी, इसकी कितनी फिक्र थी तेरे। तो आज मैं तेरे से ये वादा करता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, कुछ नहीं होने देगा इसे।